हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल वंस अगेन। तो दोस्तों, नॉइस टेलीफिट आइकन बस स्मार्ट वॉच कल यानी कि जो है 2 फरवरी को लॉन्च हो जाएगी। इसके बाद जो है स्मार्ट वॉच को बाय कर सकते हैं। बट गाइस, आप इसको बाय करें उससे पहले आपको जानना है जरूरी कि ये स्मार्ट वॉच आपके लिए जो है कंपैटिबल है या नहीं है, आपके जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है या नहीं करता है। तो गाइस, आज की जो वीडियो उसमें जानेंगे टॉप 5 रीजन के बारे में जिसकी वजह से आपको स्मार्ट वॉच बाय कर लेना चाहिए एंड आपकी प्रायोरिटीज़ हैं तो आपके लिए स्मार्ट वॉच जो है बेहतर साबित हो सकती है। तो गाइस, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, जो है एक डिसीजन मेकिंग वाली वीडियो बनने वाली। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, चैनल पर नया थे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन हैं आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो चलिए फटाफट से जो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करें स्मार्ट वॉच को बाय करने के पहले रीजन के बारे में। तो गाइस, स्मार्ट वॉच को बाय करने का जो पहला रीजन है वो है स्मार्ट वॉच का डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, आपको स्मार्ट वॉच में 1.69 इंचेस का जो है एक कॉम्पैक्ट साइज़ वाली देखने को मिलती है जो कि एक LCD डिस्प्ले रहने वाली है। रेजोल्यूशन की बात करें तो गाइस, आपको जो है 240x280 पिक्सल्स का जो है रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी जो है अच्छा होता है एंड काफ़ी जो है आपको क्लियर देखने को मिल जाते हैं। साथ साथ गाइस, आपको जो है 500 nits की ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो डे लाइट में जो है विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहने वाली है डिस्प्ले की एंड जो है काफ़ी अच्छी क्लियरिटी देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल जो है आपको इस स्मार्ट वॉच में अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिल जाती है जिसकी वजह से आपको स्मार्ट वॉच बाय करनी चाहिए। दोस्तों, बात करें स्मार्ट वॉच को बाय करने के सेकेंड रीजन के बारे में। तो गाइस, जो सेकेंड रीजन है वो है स्मार्ट वॉच का प्रीमियम लुक एंड डिज़ाइन। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट वॉच का जो है लुक काफ़ी प्यारा देखने को मिलेगा। आपको जो बेल्ट है वो आपको मेटालिक देखने को मिलेगी, मेटालिक जो है फ्रेम देखने को मिल जाएगा। तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। उसके साथ साथ जो है गाइस, आपको जो काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा विद मल्टी कलर स्ट्रैप ऑप्शन। तो ये भी एक रीज़न है स्मार्ट वॉच को बाय करने का। बात करें गाइस स्मार्ट वॉच को बाय करने के तीसरे रीजन के बारे में। तो गाइस, स्मार्ट वॉच को बाय करने का जो तीसरा रीजन है वो है स्मार्ट वॉच के हेल्थ फीचर। जी हाँ दोस्तों, आपको स्मार्ट वॉच में सभी जरूरी जो है हेल्थ फीचर देखने को मिल जाते हैं जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग देखने को मिलेगी। साथ साथ जो है आप स्लीप ट्रैकिंग कर सकते हैं स्मार्ट वॉच से। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है स्मार्ट वॉच में हेल्थ फीचर्स की वो आपको देखने को मिल जाते हैं जिसकी वजह से जो है स्मार्ट वॉच में वैल्यू ऐड होती है। बात करें गाइस फोर्थ रीजन की कि स्मार्ट वॉच को बाय करने का चौथा रीजन क्या है। तो स्मार्ट वॉच को बाय करने का गाइस जो चौथा रीजन है वो स्मार्ट वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको स्मार्ट वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि नॉइस की तरफ से आई थिंक जो पहली स्मार्ट वॉच है इसमें आपको कॉलिंग देखने को मिलती है। तो नॉइस की तरफ से जो है पहली जो है कॉलिंग स्मार्ट वॉच है एंड इसमें आपको कॉलिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ साथ गाइस, आपको जो है इसमें वॉइस असिस्टेंट फीचर भी देखने को मिलता है। एंड्रॉयड में आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड जो है iOS में सीरी का जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो वॉइस असिस्टेंट के साथ जो है ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि एक रीज़न हो सकता है स्मार्ट वॉच को बाय करने का। बात करें गाइस अपने आखिरी एंड पाँचवें रीजन की, तो स्मार्ट वॉच को बाय करने का जो लास्ट रीजन है वो है स्मार्ट वॉच का प्राइस। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्ट वॉच काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे देखने को मिलेगी। खास करके जो है इनिशियली लॉन्च प्राइस जो होगी स्मार्ट वॉच की वो 3499 होगी। तो इस प्राइस पे जो है स्मार्ट वॉच काफ़ी जो है वैल्यू ऐड करती है क्योंकि इसमें सारे जरूरी फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं विद ब्लूटूथ कॉलिंग एंड जो है वॉइस असिस्टेंट। तो स्मार्ट वॉच जो है ओवरऑल काफ़ी अच्छा पैकेज बन जाता है विद गुड लुक्स एंड प्रीमियम डिज़ाइन। तो प्राइस को कंसिडर करें तो जो है स्मार्ट वॉच काफ़ी वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है। तो गाइस, ये थी टॉप 5 रीजन टू बाय नॉइस क्लिफिट आइकन बस स्मार्ट वॉच। वहीं दोस्तों, बात करें उन रीजन के बारे में जिसकी वजह से स्मार्ट वॉच हमें बाय नहीं करना चाहिए। तो गाइस, स्मार्ट वॉच को बाय ना करने के बहुत ज़्यादा जो है कोई रीजन नहीं है क्योंकि नॉइस की जो स्मार्ट वॉचेज होती हैं इसलिए काफ़ी जो है अच्छे फीचर्स के साथ आती है, एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। सिवाय इसके कि इसकी जो एप्लीकेशन है, जो नॉइस फिट एप्लीकेशन है, उसमें जो है कनेक्टिविटी इश्यूज देखने को मिलते हैं एंड जो डेटा सिंकिंग है उसमें जो है आपको थोड़े बहुत इशू देखने को मिलते हैं। तो नॉइस फिट एप्लीकेशन को लेकर थोड़े इश्यूज देखने को मिलते हैं जो कि हो सकता है कि आप जो है उसके वजह से स्मार्ट वॉच को बाय ना करना चाहें। वैसे बहुत ज़्यादा जो है आपको इश्यूज देखने को नहीं मिलते, समटाइम्स जो है डेटा सिंक नहीं होता, अदरवाइज जो है नॉर्मली वर्क करता है। तो आपको ये चीज़ जो है कंसिडर करना होगा, माइंड में रखना होगा बाय करने से पहले कि थोड़े बहुत जो है आपको इश्यूज फेस करने पड़ेंगे एप्लीकेशन को लेके। अदरवाइज जो है स्मार्ट वॉच काफ़ी अच्छी है एंड एप्लीकेशन में भी आपको जरूरी फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल जो है आप स्मार्ट वॉच को बाय कर सकते हैं। बाकी गाइस, आपको जो है मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसके थ्रू जो है बाय कर सकते हैं अगर बाय करना चाहते हैं।
तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी एंड आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस तरह के वीडियो के जो नोटिफिकेशन आप सबको मिस ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।